क्योंकि मेरे को मैच जीतना है, बड़ा प्लेयर है, आईपीएल टूर्नामेंट है, प्रेस्टीज है, और मैं कप्तान के नाते मेरे को मैच जीतना है, तो क्यों नहीं। मैं तो अश्विन के साथ हूँ, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोले कि चीटिंग है या ये है वो है, चीटिंग तो अश्विन ने आउट क्यों किया, चीटिंग कोई कर रहा था इसके लिए आउट किया ना उसने। चीटिंग नहीं करता तो सवाल नहीं पैदा होता। तो बॉलर स्टार्ट लेता है तो आप स्टार्ट ले लेते हो, तो बॉलर बॉलिंग करने को आता है तो आप तो चार कदम आगे होते हो, ये तो ठीक नहीं, ये बिल्कुल चीटिंग है। तो मेरे ख्याल से जो आप रूल्स में जो है जो करते हो वैसे ही करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ, देखो क्रिकेट बदल गया है, जो पहले था अभी वैसा नहीं रहा, और उसके हिसाब से आप रूल के फ्रेमवर्क में जो काम करते हो खेलते हो तो उसमें कोई हर्जा नहीं। अश्विन ने जो किया ये गलत नहीं किया, उसने किया सोच के किया कि ये आदमी, ये जो प्लेयर है, ये जो बल्लेबाज है, ये हर दफा वो चलते जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसको रोकूं। सारी टीमें, सारे प्लेयर्स, जो आईपीएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप आने वाला है, सारे ध्यान रखेंगे, ऐसा हो सकता है, और इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। देखो विनु मंकड़ तो बहुत बहुत सीनियर है मेरे से, वो मेरे फादर के भी सीनियर थे। ये कोई स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होते हैं, जो कोई होते कि आप खुद के बहुत कॉन्शियस करके गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी करते, उनको पता नहीं आजू बाजू क्या चल रहा है, मगर ये स्ट्रीट स्मार्ट जो होते ना वो ये भी देखते हैं कि बल्लेबाज को किस तरह से डिस्टर्ब करना है, किस तरह से अनसेटल करना है, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ है ये, और छोटी छोटी चीज़ डिस्टर्ब करती है, अनसेटल करती है, और उसमें विकेट भी मिल जाती है। और विनु मांकड़ तो जो मैंने सुना है, देखा तो नहीं मैंने, पर मैंने जो सुना है वो इसमें बहुत माहिर थे।